तरफ से शाइनी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को सलामो अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे जनूब मगरबी एशिया के एक मुल्क की, जो कि मशरक वस्ती में वाक़ है। ये दुनिया का सबसे पहला कदीम मुल्क है जिसकी 70% से ज़ायद आबादी 30 साल से कम उम्र की है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात से आगाह करता चलूँ कि दुनिया का 10% से ज़ायद तेल इसी मुल्क में पैदा किया जाता है और ये मुल्क हर रोज़ तकरीबन 4 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है। इसके अलावा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC और तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC का बानी रुकन है। कबल इसके कि हम आपको इस मुल्क के बारे में तमाम दिलचस्प हकाइक से आगाह करें, तमाम दोस्तों से ये गुजारिश की जाती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। ईरान। ईरान, जिसका कदीम नाम फारस जबकि मौजूदा सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है। लफ्ज़ ईरान का मतलब आराओं की सरजमीन है। ईरान की सरहद शुमाल में अरमानिया, अजरबैजान और तुर्कमानिस्तान, जबकि मशरक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मगरब में तुर्की और इराक से मिलती हैं। ईरान का वस्ती और मशरकी इलाका वसी बे आबो गया सहराओं पर मुश्तमिल है, जिनमें कहीं कहीं नखलिस्तान भी मौजूद हैं। मगरब में तुर्की और इराक के साथ सरहदों पर पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो कि यहां का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी रखता है। तारीख की जानी पाए तो 1 अप्रैल 1979 को ईरान ने इस्लामी जमहूरिया के तौर पर आजादी हासिल की और इस्लामी तालीमात को तमाम सियासी, समाजी और माशी तालुकात की बुनियाद करार दिया गया। 1969 में सदर खातमी के मुंतखब होने के बाद ईरान के ज्यादातर ममालिक से तालुकात बेहतर हुए और 1998 में बरतानिया और ईरान के तालुकात इस यकीन दहानी पर बहाल हुए कि ईरानी हुकूमत का सुलेमान रशीदी की जिंदगी को खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं। और इसी तरह 1999 में बरतानिया और ईरान ने सिफारतकारी का तबादला किया। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात 1980 में टूटे और आज तक बहाल नहीं हुए। 30 नवंबर 2004 को इराक में सलामती आम इंतखाबात के बरवक्त इनाकाद और बैरूनी अनासिर की मुदाखलत रोकने पर गौर के लिए ईरान में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसकी मेज़बानी ईरानी वजारत दाखिला ने की। इस कॉन्फ्रेंस में इराक, सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की, उर्दन और मिस्र के वज़राए दाखला और सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। रकबे और आबादी की बात की जाए तो रकबे के हिसाब से ईरान को दुनिया में 48वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरबा किलोमीटर है और इसका 1.6% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। आबादी के हवाले से ईरान को दुनिया में 36वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ईरान एक मुतनव मुल्क है जहां बहुत से नस्ली ग्रोह पाए जाते हैं। इनमें फारसीसी बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं। 20वीं सदी में ईरान की आबादी तेजी से बढ़ी। 1956 में ईरान की आबादी सिर्फ 19 मिलियन थी, जो कि 2009 तक 79 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। चंद ही सालों में ईरान की शरह पैदाइश में नुमाया कमी आई है। 2012 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक ईरान की शरह पैदाइश 1.29% रही है। ईरान दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जहां पनाहगजीरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो ज्यादातर अफगानिस्तान और इराक में जारी जंगों के बाइस ईरान में आए। ईरानी आइन के मुताबिक यहाँ की तमाम तर जिम्मेदारियां हुकूमत वक्त ही संभालती है कि वो शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करें, जिनमें जानो माल का तहफ्फुज, तिब्बी सहूलियात और मजदूर अफराद की देखभाल वगैरह शामिल है, और इन चीजों पर खर्चा बजट के जरिए ही हासिल किया जाता है। जुग्राफिया और मौसम की बात की जाए तो ईरान चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ एक मुल्क है जिसका कोई साहिल समुंदर नहीं है। यहाँ का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है, जो कि कोहे हिंदू कश पर मुश्तमिल है, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर अक्सर जलजले आते रहते हैं। ईरान का मौसम गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद सर्द होता है। ज्यादातर बारिशें गर्मियों में होती हैं जब बर सगीर में मानसून का मौसम शुरू होता है। ईरान इंतहाई मुतहरिक जलजलों की पट्टी पर वाकया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन जलजले आते रहते हैं। 1991 से अब तक ईरान में तकरीबन 1,000 जलजलों के झटके महसूस किए जा चुके हैं,
जिनसे सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 17,600 जानें जाया हुई। 2003 में जनूब मशरकी ईरान में शदीद जल्जले ने तबाही मचा दी। इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.3 थी और इसने कदीम कस्बा बाम को सफाई हस्ती से ही मिटा दिया। इस जल्जले में 30,000 अफराद जां बहक हुए। मईशत की बात की जाए तो जुलाई 2001 में अमेरिका ने ईरान और लीबिया पर पाबंदियों के कानून में मजीद 5 साल की तौसी कर दी। जनवरी 2002 में सदर बुश ने ईरान को बदी का मोहरा एक्सिस ऑफ ईवल का हिस्सा करार दे दिया। इस वक्त ईरान मगरबी ताकतों की जानिब से जौहरी प्रोग्राम, मुबैना दहशतगर्दी, मशरक वस्ती के अमन को ख़राब करने के ख्वाहिशमंद ग्रोहों की मुबैना सरपरस्ती और दीगर इल्ज़ाम का निशाना बना। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमरीकी साजिशों और आलमी समाजी ताकतों की तरफ से मिल्लत ईरान के खिलाफ मुसलसल धमकियों के बाद हर सतह पर खुद कफील होने का फैसला किया और एटमी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग और मेडिकल के साथ साथ एरोस्पेस, नीज, दिफाई शोबों में बेपनाह तरक्की की। ईरान में बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत फारसी जुबान ही बोलती है, जो कि यहाँ की अक्सरियती जुबान होने के साथ साथ ईरान की सरकारी जुबान भी है। इसके अलावा अकलियती जुबानों की बात की जाए तो ईरान के शुमाल मगरिब में अजरबैजानी, शुमाल में तुर्कमन और मशरक में पाकिस्तानी सरहदों के करीब इलाकों में बलोची जुबान बोली जाती है। ईरान में 53% अफराद फारसी, 16% अफराद अजरबैजानी, 10% कर्दी, 7% गैलकी और मजदरीन, 7% लोरी, 2% अरबी और 2% अफराद बलोची जुबान बोलते हैं। ताहम इन तमाम जुबानों का इस्तेमाल सिर्फ बतौर इलाकाई जुबान किया जाता है, बाकी मुल्क भर में फारसी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। ईरान में 90% अफराद शिया मुस्लिम हैं, जबकि 8% सुन्नी और बाकी 2% गैर मुस्लिम हैं। खेलों के हवाले से भी ईरान अपनी अलग पहचान रखता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान का दारुल हुकूमत, जो कि तहरान है, 1974 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करने के लिए मगरबी एशिया में पहला शहर था। वैसे तो ईरान में बहुत से रिवायती और जदीद खेल खेले जाते हैं, मगर फ्री स्टाइल कश्ती ईरान का कौमी खेल है, लेकिन ईरान में सबसे ज़्यादा मकबूल खेल फुटबॉल को शुमार किया जाता है। तालीमी निज़ाम पर रोशनी डाली जाए तो ईरान में बच्चे 12 से 18 साल की उम्र तक तालीम हासिल करते हैं। इब्तदाई तालीम ईरान में लाजमी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटियाँ, टेक्नोलॉजी के इदारे, तिब्बी स्कूलों और कम्युनिटी कॉलेजेस आला तालीम फराहम करते हैं। ईरान की खाम मुल्की मजमूई पैदावार 2017 में 4,39,51,35,11,620 अमरीकी डॉलर थी। ईरान के मौजूदा सदर का नाम हसन रोहानी है। ईरान में शादी की कम अज़ कम उम्र 15 से 18 साल है और ईरान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से आधा घंटा पीछे है। इस मुल्क में ड्राइविंग दाईं तरफ की जाती है। यहाँ की करेंसी ईरानी रियाल है और इस मुल्क का कॉलिंग कोड +98 है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।